गोपा, तू और राजीव की जोड़ी बहुत 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 परफेक्ट लगी। राजीव, इन सब फालतू बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझा? अच्छा, अब ये सारी बातें फालतू की हो गई। अच्छा, इन सब फालतू बात के लिए तू हेड बनना चाहता था ना, बोल गया। अच्छा, अंगूर नहीं मिले तो फटे हैं। आहे गोली दोरी दोरी माँ, तेरे लिए वहां पानी रखा है। अच्छा एक बात बता, तू सिर्फ 5 मिनट के लिए रोज कॉलेज से दौड़ी दौड़ी आती है, क्यों? माँ, मुझे बाबा की सेहत की बड़ी चिंता लगी रहती है, इसलिए मैं आ जाती हूँ। मेरी चिंता क्यों? अरे मुझे क्या हुआ, एकदम फिट हूँ। और देख, तू इतनी भागदौड़ मत किया कर, थक जाएगी। थक तो गई हूँ बाबा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। ये भी सही है, अब तुझे इससे रोक कौन सकता है? रोकेगा कौन? बात मेरी बाबा की जो है। अब मिल ली। अब देखो ना, मेरे दिल को आपसे और बाबा से मिलके कितनी शांति मिली है। सारी थकान दूर हो गई। अच्छा एक बात बता, अब तू कॉलेज वापस जाएगी? वापस जाने वाली है मतलब? मैं तो निकल गई माँ, मुझे जाऊँ माँ। बाय बाबा, बाय। बाय बेटा, बाय। अच्छा है कोपा के सामने नहीं खांसा, वरना यहीं बैठ जाती चिंता लेके। और मैं जो आपकी चिंता करती हूँ उसका क्या? चिंता किस बात? एक बात कहूं, मुझे लगता है कि हमें किसी बड़े डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। की कुआ? ना लगे। अरे अब कहां है खांसी, देखो गायब हो गई। और फिर नए डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे भी तो लगते हैं। ये हमारा पुराना फैमिली डॉक्टर है, देख रहा है, सब चीजें ठीक है। तुम इतनी ज्यादा चिंता मत किया करो, मैं सब संभाल लूंगा। आप क्यों जिद पर अड़े हैं? अगर मुझे चिड़ ना भी आनी हो ना तो आ जाएगी। अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई तो हम क्या करेंगे? अरे माला, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम व्यर्थ में इतनी चिंता करती हो। और तबीयत ही तो है, ठीक हो जाएगी। देखो तुम ज्यादा परेशान मत हुआ करो, शांति रखो।
भाई यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठे हैं? पापा? अरे राजीव तुम? हाँ मैं। क्यों हो पापा? तुम ऐसे परेशान, इतनी शांत, इतनी चुप चुप क्यों हो? नहीं बस ऐसे ही। वेल, तुम्हारी डांस की प्रैक्टिस कैसे चल रही है? मैं ट्राई करूंगी कि अच्छा परफॉर्मेंस दे पाऊं। डोंट वरी, तुम्हारी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी। लेकिन राजीव मैं अपने परफॉर्मेंस को लेकर चिंता में नहीं हूँ। फिर किस बात की चिंता में हो? तुम उसे शेयर कर सकते हो। आने वाला एग्जाम, राजीव तुम्हें तो पता है ना मेरे घर के हालात। पापा भी आजकल बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर है। मुझे जल्द से जल्द एग्जाम खत्म करके एक अच्छी नौकरी करनी है ताकि मैं अपने घर की जिम्मेदारी उठा पाऊं। खुबा बस 4-5 दिन की बात और है, तो उसके बाद एग्जाम हो जाएंगे और जो भी हेल्प लगेगी वो मैं करने को तैयार हूँ। थैंक्स। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी मुश्किल और आसान कर देता हूँ। मैं तुम्हारे लिए नोट्स बना दूंगा तो तुम्हें पढ़ने में आसानी होगी। अब कुछ? थैंक यू राजीव, थैंक यू सो मच। ओ हेलो, अब ये थैंक यू मत बोलो मुझे, ठीक है ना? बुझीला। कॉलेज का एनवायरनमेंट कुछ ज्यादा ही बढ़िया नहीं हो रहा है? पापा तुम दोनों बैठ के बात करो, मैं देखता हूँ कि फंक्शन की तैयारी कहाँ तक पहुंची है। ओह सॉरी। बेचारा उखाड़। गोपा महारानी इतनी परेशान क्यों हो? वही आभा, घर के प्रॉब्लम्स। राजीव के सामने कमजोर पड़ गई और अपने सारी प्रॉब्लम शेयर कर दी। तो अच्छी बात है ना, क्या कहा उसने? वो तो मुझे सपोर्ट कर रहा है, हर प्रॉब्लम में हम साथ हैं। ओ हो, हम साथ साथ हैं। उससे ज्यादा क्या चाहिए तुझे कोपा? जरा मुस्कुरा तो दे, कोपो का फूल। को तो तुम मुझे माँ कहते हो लेकिन असल में तुम मुझे नौकरानी ही समझते हो। क्या माँ, कोई भी गाना गाने लगती हो, अब खाना भी दो ना। माँ कोई जरूरत नहीं है इस नकचली मायना को खाना देने की। देख धोन, अभी झगड़ा करने का बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं है, और तू भड़क क्यों रहा है? तुम मुझे ये बताओ तुम आजकल रहती कहाँ हो? माँ लगता है इसकी आज तबीयत ठीक नहीं है, इसको दिख नहीं रहा है क्या मैं कॉलेज से आ रही हूँ? मैं ये पूछ रहा हूँ तुम कॉलेज में किसके साथ रहती हो? तुझे इससे क्या, और तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी के साथ थी? मैं किसी के साथ नहीं थी। माँ झूठ बोल रही है, एकदम मिसा को था। ओफो, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। मैं
माँ बाबा कौन? तेरे बाबा किसी काम से बाहर गए हैं। की होल? माँ कॉलेज में बंटी नाम के एक लड़के के साथ घूमती रहती है। दो दिन से देख रहा हूँ मैं इसको, और अब देखो झूठ बोल रही है। हाँ मैं थी बंटी के साथ, तो क्या हुआ? वो क्लासमेट है मेरा, तो मैं उसके साथ बैठ भी नहीं सकती क्या? देख मायना, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, वो बंटी अच्छा लड़का नहीं है, उसके साथ ज्यादा घुमा फिरा मत कर। ये गलत राग ना मेरे साथ मत छेड़। अच्छा, मतलब उस बंटी के लिए अब तू हमसे आर्गुमेंट करेगी? हाँ, दोस्त है वो मेरा, तो उसके लिए बात तो करूंगी ना। और वैसे भी बंटी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? हाँ? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैं उस बंटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो जस्ट चिल। ओके, चिल ना तू हो जा। अब मैं ना अपना भला बुरा खुद समझती हूँ। देख मायना, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तो जैसा कह रहा हूँ वैसा कर, समझी? बस बस, दोहन तोता है काजिया नौकर। क्यों डांट रहा है मायना को? एक दिन किसी के साथ बैठ लिया तो क्या हो गया? जा बेटी, कुछ खा ले जाके। माँ तू हमेशा उसी की साइड क्यों लेती है? मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, और तू चिढ़ मत उस पर, वरना मैं तुम दोनों पे चिढ़ जाऊंगी। जा अपना काम कर। इस घर में किसी को कुछ कहना ही बेकार है। अचार दो ना। बस होल बोल। मायना बेटा, धोन तेरा छोटा भाई है तो क्या हुआ, पर तेरा भला बुरा वो समझता है। तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, समझे? चल अब खाना खा ले। माँ अब आप ना धोन की साइड मत लो। मैं किसी की साइड नहीं ले रही। चल अब बहस मत कर, अपना खाना खा और पढ़ाई कर। बुझी सो? बुझी सो। मैं तेरे लिए अचार लेके आती हूँ। नमस्कार डॉक्टर, आपने मुझे बुलाया? हाँ। की होल? सब ठीक आ से तू? देखिए संतोष जी, पिछली बार मैंने आपसे बताया था कि आपके सैंपल्स मैंने जांच के लिए मुंबई भेजे। रिपोर्ट आ गई? हाँ। रिपोर्ट में क्या है? देखिए संतोष जी, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। मैंने आपकी रिपोर्ट्स देखी और मेरी मुंबई के डॉक्टर से बात भी हुई है। इतना मन मन में क्यों मुस्कुरा रहा है? की हो इसे कोपा? अकू नहीं, मुस्कुराहट तो छुपा सकती है, पर मुस्कुराहट के पीछे छुपी बात नहीं छुपा सकती है। राजीव के बारे में सोच रही थी ना? तुझे सब बात पता चलती है ना, तो कोई जादूगर तो नहीं? जादूगर तो नहीं हूँ, पर तेरी बेस्ट फ्रेंड जरूर हूँ। तुम दोनों की केमिस्ट्री देख कर मुझे क्या राह चलते गधे को भी समझ में आता है कि तू उसके बारे में क्या फील करती है। तुझे क्या लगता है? ओफो, सवाल का जवाब ही सवाल। अरे मुझे बात तो पूरी करने दे। तुझे क्या लगता है हम दोनों के बारे में? यार कोपा, तुझे तेरी और राजीव के बारे में बात करने में कितना मजा आता है।
कहा ना तुझे तेरी और राजीव की जोड़ी एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट। मैं भी यही सोच रही थी। तू जाके कह क्यों नहीं देती है राजीव से? क्या? ओफो कोपा, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। अपने दिल की बात तू क्या फील करती है उसके लिए? तू कितना चाहती है राजीव को? मुझे कह देना चाहिए ना? नहीं, जब आकाशवाणी होगी तब उसे जाके कहना राजीव आई लव यू। मैं कहना तो तुमसे बहुत पहले चाहती थी, बट अब कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी कह रही हूँ राजीव आई लव यू। डफर, जाके कह दे उसे, जल्दी जाके बोल उसे। कोपा, तू बोलेगी या मैं जाके बोल दूँ उसे आई लव यू? ना लगे, मैं ही कह देती हूँ। तू जाके कहे ना कोपा उसे जल्दी। ब्लश ब्लश ब्लश, देखो 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 आंखें देखो, कितना ब्लश करेगी। बाबा को अचानक इतनी खांसी? बाबा, 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 क्यों हो बाबा? आप ठीक तो है ना? माँ, माँ, क्यों हो? देखो ना बाबा को क्या हुआ? माँ, क्यों हो? पानी ले क्या और एक बर्तन ले क्या कुल्ला कराने के लिए? हाँ माँ, जाओ। क्या? बैठ जाने, बैठ जाने। कुल्ला खा लीजिए। एक बार और कर लीजिए बस। चल बेटा, इन्हें लिटा देना। अब लेट जाइए। ठीक है असिन? कुछ नहीं हुआ बेटा। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? अरे मुंह से खून निकल रहा है। कहां
हंसी आ रही है इतनी इतनी हालत बुरी है तो भी नहीं बताएंगे कि क्या हुआ। माला सच कह रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। अभी भी नहीं बताएंगे ना? मेरी कसम, बच्चों की कसम, माला तुमने कसम दे दी। माला ना? हाँ बाबा। मुझे फेफड़ों का कैंसर है। क्या? कितना ब्यूटीफुली डांस किया है। आई रियली लाइक इट, ट्रस्ट मी। तुम्हार भाल लगी से? भाल? बहुत भाल लगी से। सच?